कि आज ये हमारी जो जोहड़ है इस दूरा गांव की, ये एक आबादी के बिल्कुल बहुत नज़दीक थी, बीचों बीच थी, और इसका जो पानी है वो बहुत ख़राब हुआ पड़ा था। हमारे इन लोगों को, माताओं बहनों को बीमारी का एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता था। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से सभी 104 गांव की जोहड़ों का सौंदर्यकरण करने का हमने निर्णय लिया है, और उसका पैसा भी लगभग 26 गाँवों में का मंजूर हो गया है। कई जगह पर हमारे काम चल रहे हैं, और उसी कड़ी में आज इनकी जो दूधरा की एक जोड़ है उसका पानी निकासी और खुदाई का काम हमने शुरू कर दिया है, और इसी के साथ साथ दो जोड़े यहाँ पर और हैं, उनका भी पैसा मंजूर हो चुका है। जल्दी ही उनकी भी जो पानी निकासी और खुदाई का काम शुरू कर देंगे, तो करोड़ों रुपए की लागत से जो हमारी ये जोड़ है ठीक होनी है, सुंदर होनी है। आज उनके उद्घाटन के लिए यहाँ पहुँचे। क्या योजना है आदमपुर चुनाव को लेकर? पार्टी की योजना सीधी सीधी योजना है, आदमपुर का चुनाव जीतना है माननीय कुलदीप बिश्नोई जी। कांग्रेस का एमएलए का पद छोड़ करके, और उन्होंने जब ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश और दुनिया में इस देश को आगे लेकर के चल रही है, माने मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, माने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, तो इस हरियाणा की जो सरकार है उसकी सोच को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को कुलदीप जी ने स्वीकारा, और अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई हजारों के अंतर से जीतेगा।